बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में हुई बच्चियों से दुष्कर्म की घटना ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। बीते दिन सबने देखा कि कैसे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राजधानी दिल्ली में इस घटना को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन बोला और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो वहीं आप जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपनी राजनीति के लिए बच्चियों को आधार बनाया जा रहा है। इस मामले में जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह की मांग है कि मुजफ्फरपुर के मामले में अगर कोई सबूत विपक्ष के पास है या उसे सबूत मिल गया है तो वह इस मामले में कल पटना हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में पक्षकार बने और यह सबूत पेश करे। तो वहीं दिल्ली में इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। इस कड़ी में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बच्चों के बहाने वोट की राजनीति हो रही है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।